श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टी20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि रोहित शर्मा वनडे के कप्तान होंगे। शुभमन गिल को टी20 और वनडे दोनों में उप कप्तान बनाया गया है, लेकिन इस स्क्वाड में एक ऐसे खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है जिसने हाल ही में ताबड़तोड़ शतक ठोक तबाही मचाई थी। हम बात कर रहे हैं युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की। अभिषेक को न तो टी20 और न ही वनडे टीम में जगह दी गई है। उनका नाम शामिल न होने से सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फैंस को यह फैसला चौंका रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जड़ा था ताबड़तोड़ शतक। अभिषेक शर्मा शानदार ऑलराउंडर है। उन्होंने जिम्बाब्वे दौरे पर पहले टी20 में डेब्यू किया था। हालांकि वह डक पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया। अभिषेक ने इस मैच में बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद में 7 चौके 8 छक्के ठोक 100 रन जड़े। इसके बाद के मैचों में उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए। बाएं हाथ के ऑलराउंडर टीम इंडिया के लिए उपयोगी साबित हो सकते थे, हालांकि उनकी जगह नहीं बन पाई। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा हार्ड हिटर माने जाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्होंने आईपीएल में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट और 32 के औसत से 16 मैचों में 484 रन बनाए। अभिषेक के चयन न होने पर इसलिए भी सवाल उठ रहा है क्योंकि रियान पराग और शिवम दुबे को दोनों टीमों में जगह दी गई है।